to next lecture on numerical method. Last class we have studied the Newton's forward interpolation formula. Ab aapko this question ki usko main formula ko kaise apply karenge. Kya tha hamare paas Newton's forward interpolation formula? F a plus u h equals to f a plus u delta forward difference operator f a plus u u minus 1 delta square f a compared to a plus u u minus 1 u minus 2 delta ke factorial and so on. मीन्स क्या था हमारे पास और यू की वैल्यू क्या थी एक्स माइनस ए अपॉन एच. अब हमारे पास इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम फॉर्मूले को एप्लीकेबल कैसे बनाएंगे. मान लीजिए आपके पास कोई भी इक्वेशन आता है और आपको उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मेन चीज है हमें फॉर्मूला हमें याद है तो हम उसे अप्लाई भी करें. ठीक उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन कंसिडर करते हैं फाइंड द क्यूबिक पॉलीनोमियल व्हिच गिव्स द पॉलीनोमियल. हमें क्यूबिक पॉलीनोमियल निकालना है जो कि इस डेटा को जिसके पास कौन कौन सी वैल्यूज है ये सारे वैल्यूज हमारे पास. ठीक है मीन्स हमारे पास क्या है सबसे पहले एक्स है एंड एफ एक्स दो चीजें हमारे पास. ठीक है एक्स कितना हमारे पास जीरो वन टू थ्री एफ एक्स कितना वन जीरो वन टेन. देखिए क्वेश्चन चाहे कोई भी हो चाहे किसी में जो कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो या किसी में कोई पॉलीनोमियल मुझे फाइंड आउट करना हो आपको सबसे पहले बनानी है हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. ठीक है हर क्वेश्चन के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा क्योंकि न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा सबसे पहले हम इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को बनाएंगे. ठीक है सबसे पहले देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं. देखिए सबसे पहले हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का मतलब क्या था हमारे पास डेल्टा एफ एक्स. डेल्टा एफ एक्स को कैसे निकाल देते हैं एफ एक्स प्लस एच और इसमें से माइनस कर देते हैं क्या एफ एक्स. ठीक है और हमेशा फॉरवर्ड की हम बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड हमेशा फर्स्ट वैल्यू से निकालना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं डेल्टा एफ एक्स और ये जो वैल्यूज आते हैं जो डिफरेंस हम निकालते हैं बेटर होता है कि हम क्या करें बीच में लिखते हैं. ठीक है सामने ना लिखे उसको बीच में लिखे हमें वो कहते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू में से आपको प्रीवियस वैल्यू माइनस करिए तो जीरो में से वन माइनस करिए कितनी आ गई हमारी माइनस वन. सेकेंड के लिए टाइम टू सेकेंड का फॉरवर्ड डिफरेंस निकलेगा वन में से कितना माइनस करें जीरो वन में से जीरो माइनस करें तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी वन. फिर हम क्या करेंगे टेन में से करेंगे क्या माइनस करेंगे वन यानी कि वैल्यू कितनी आ गई नाइन. इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो सेकेंड में से मैंने फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया है थर्ड वैल्यू में से सेकेंड को माइनस किया है और फोर्थ वैल्यू में से किसको माइनस किया फर्स्ट वैल्यू सॉरी थर्ड वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास ये निकलेगा डेल्टा एफ एक्स. ठीक है अब हमें क्या निकालना है डेल्टा स्क्वायर यानी कि सेकेंड सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस. सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इन वैल्यूज को चेक करेंगे इन वैल्यूज से अभी हमारा कोई मतलब नहीं है अब हम चेक करेंगे इन दोनों वैल्यूज यानी कि वन में से हम माइनस करेंगे माइनस वन तो वन प्लस वन किसके इक्वल आ गया हमारा टू के इक्वल. ऐसे ही हम नाइन में से कितना माइनस करेंगे वन तो वैल्यू कितनी आ गई एट. ठीक है अब निकालेंगे थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यानी कि डेल्टा थ्री एफ एक्स. अब हम डेल्टा थ्री निकालेंगे तो डेल्टा थ्री के लिए क्या करना है इस वाले वैल्यू में से इसको माइनस करना है एट में से टू माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास सिक्स. और क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यूज है टोटल फोर वैल्यूज है हमारे पास जो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे यानी कि कौन लगाएंगे डेल्टा थ्री लगाएंगे. ठीक है तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके पास है चाहे किसी ने क्यूबिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप सबसे पहले क्या बनाएंगे अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है जो सक्सेसिव वैल्यू है उससे हमने प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना है. ठीक है और जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करके रखना है. तो हमारे पास जो गिवन एफ एक्स है यहाँ से निकलेंगे हमारे पास डेल्टा एक्स यानी कि फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर. सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर आए हैं उनके उनमें क्या करना है सेकेंड में सक्सेसिव में से प्रीवियस माइनस करना है वही फाइंड आउट करें. और थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में जो हमारे पास सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर आए हैं उनके बीच का डिफरेंस लेना. ठीक है इसीलिए अगर आपकी एक कैलकुलेशन गलत हो गई तो आपकी सारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएंगी इस चीज को ध्यान रखें. क्यों क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर है उस पर बेस्ड है मेरा कौन सा सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर और सेकेंड डिफरेंस पर मेरा बेस्ड है कौन सा थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर.
तो ये चीज आपको कैलकुलेशन जो हम थोड़ा केयरफुली करते हैं क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज जो है डिपेंड है एक दूसरे पर। ठीक, हमारे पास जितने ऑपरेटर्स थे हमारे पास थर्ड एलिवेटेड तक यानी कि थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तक हमें कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है क्यूबिक पॉलीनोमियल। देखिए यहाँ उसने ये बोला है कि आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स आंसर देना है, आपको एक्स की कोई वैल्यूज भी नहीं दी है तो इट मीन्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, एक्स एक्स हमारे पास कितना रहेगा एक्स, ए हमारे पास होगी फर्स्ट टर्म तो ए यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ए क्या होगी हमारे पास जीरो और एच इनके बीच का डिवाइडर इन इंटरवल ऑफ डिफरेंस। जीरो और वन के बीच का जो डिफरेंस है वन, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस वन, इनके बीच का भी क्या डिफरेंस वन, एच की वैल्यू कितनी होगी वन। तो अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है हम क्या कैलकुलेट करेंगे यू की वैल्यू, देन हम क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो यू का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, यू इक्वल्स टू कितना था एक्स माइनस ए अपॉन एच एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स है, ए कितना मेरे पास जीरो और एच की वैल्यू कितना है वन, तो यहाँ पर यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई एक्स, यानी यू मेरे पास कैलकुलेट हो गया कितना एक्स। ठीक है, अब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, न्यूटन्स फॉरवर्ड। अब न्यूटन्स फॉरवर्ड से हम क्या करें तो न्यूटन्स फॉर्मूला जो था हमारे पास वो क्या था एफ ए प्लस यू एच इक्वल्स टू एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू यू माइनस वन डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन वैल्यू। अब देखिए मेरे पास जो बचा हुआ कहां तक आएगा थर्ड डिफरेंस तक आएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला चलेगा वो भी कहां तक जाएगा हमारा थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यू यू माइनस वन यू माइनस टू डेल्टा की एफ ए अपॉन फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारे पास जितने डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे जितने फॉरवर्ड डिफरेंस एग्जिस्ट करेंगे हमारा फॉर्मूला भी वहीं तक हमें अप्लाई करना है। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं कि हमें फर्स्ट पर चला छोटा है सेकंड पे छोटा, जहां तक हमारे पास यानी कि हमारे पास एन माइनस वन एग्जिस्ट करते हैं तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में फोर वैल्यूज है तो हमारा फॉर्मूला कहां तक जाएगा थर्ड तक जाएगा, अगर थ्री वैल्यूज है तो क्वेश्चन हमारा कहां तक जाएगा टू वैल्यूज। Thank you.
यानी कि सबसे रिंग टर्म जिसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट माइनस होगी प्रीवियस टर्म माइनस होगी तब हमारे पास ये लेकर आते हैं क्या फॉरवर्ड डिफरेंस जो हमारे पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट हुआ है उसकी हेल्प से इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा निकलेगा सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर नाइन में से वन को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर ठीक है जो सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर टेबल आई है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देन हमारे पास यू की वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक्स वो वैल्यू होती है जो मुझे निकालनी है क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन में दिया है मुझे क्यूबिक पॉलीनोमियल निकालना है क्यूबिक पॉलीनोमियल का मतलब है एक्स की कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो एक्स क्या रहेगा मेरा एक्स ही रहेगा ठीक है एक्स जो होता है इनके बीच का डिफरेंस इनके बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पे वन यहाँ पे कितना है वन और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वन तो इट मीन्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरी वन ए यानी कि फर्स्ट वैल्यू एक्स की जो फर्स्ट वैल्यू है यानी कि ये जो हमारे पास किसका काम करेगा मेरा ए का काम करेगा ए की वैल्यू किसकी इक्वल होगी मेरी जीरो और फॉर्मूला हमें पता है यू इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच वहां से मैंने फाइंड आउट किया यू अब हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है वो कौन सा है दिस अब इस फॉर्मूले में हमें पुट करनी है अपनी वैल्यूज आपका फॉर्मूला वहां तक हमें अप्लाई करना है जहां तक हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कैलकुलेट हुई जैसे थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तक हमारे पास आया तो क्वेश्चन के हमारे मान दिया जाएगा थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देन फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट कर दी एफ ए यानी कि फंक्शन वैल्यू होगी जीरो पर ठीक है डेल्टा एफ यानी कि डेरिवेटिव होगा किसका माइनस फंक्शन प्लस का और हमेशा डेरिवेटिव जो होते हैं हमेशा ऊपर से नीचे को होता है ए इक्वल टू जीरो का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव कितना माइनस वन सेकेंड डेरिवेटिव होगा टू और थर्ड डेरिवेटिव होगा उसका कितना सिक्स और वही वैल्यू हमें पुट करके आंसर ठीक है तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ये हमारे पास पॉलीनोमियल हो गया क्यूबिक पॉलीनोमियल क्यूबिक का मतलब कितना डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी थ्री और यहाँ पे हमारे पास डिग्री जो है वो कितनी है ठीक है तो इसलिए हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट करना है देन यू कैलकुलेट करेंगे यू कैलकुलेट होगा हमारे डिपेंड करेंगे कि हमारे पास एक्स क्या है ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू डिग्री होगी एक्स की ठीक है एच उनके बीच में जो एच के इक्वल इंटरवल डिफरेंस दे रखे हैं उनकी वैल्यूज एंड देन हमारे पास ये आएगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला ठीक है फॉर्मूला हमें वहां तक एक्सपेंड करना है जहां तक हमारे पास जो रिजल्ट है वो एग्जिस्ट करता है मीन्स जितने हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर आएंगे अगर थर्ड तक आएंगे तो हमें थर्ड तक यूज करना है फोर्थ तक आएंगे तो हमें फोर्थ तक अपना फॉर्मूला लेकर ठीक है तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो प्रॉब्लम सॉल्व क्लास में पूछ सकते हैं बट बेटर है कि आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको कुछ क्लियर नहीं होगा अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फिर एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस को दोबारा से मैं क्वेश्चन करके बता दी मान लीजिए मेरे पास कोई एक क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ एक्स डी एन है और यहाँ कितना तो हमें सबसे पहले ये निकालने से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ही बनाने में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में फर्स्ट में आएगा डेल्टा एफ क्या करना है इसके लिए निकालेंगे क्योंकि सारे वैल्यूज पहले इसके लिए भी होगा इसका भी होगा सभी का लिमिट एग्जिस्ट करता है अब कैसे एग्जिस्ट करेगा पहले 35 में से क्या करना है आपको माइनस करना है 15 तो कितना आगे 20 फिर क्या करोगे 125 में से माइनस करोगे 35 तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास नेगेटिव ठीक है देन हम क्या करेंगे 200 में से माइनस करेंगे 125 तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास अब अगर कोई आपसे पूछे डेल्टा एफ वन की वैल्यू डेल्टा एफ टेन की वैल्यू बता दीजिए ठीक है देखिए टेन मेरे पास सी है इसका फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर जो आएगा वो कौन सा आएगा नाइन तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी मेरी नाइन ऐसे ही मेरे पास एफ
इसका फर्स्ट डिफरेंस अगर मुझे निकालना है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 20, ठीक है। ये जो थर्ड निकल कर क्या आया इसका वैल्यू 15 होगा, यानी कि फर्स्ट डिफरेंस जो 15 की वैल्यू है वो कितनी होगा 75, और फोर्थ का कोई भी डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, डेल्टा एफ वन डी की वैल्यू रहेगी 0 क्योंकि इसका फर्स्ट डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारी जो वैल्यूज होती है वो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस का मतलब है इन सभी वैल्यूज का फर्स्ट डिफरेंस कितना है 20, 90, 75 और लास्ट वैल्यू का फर्स्ट डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। अब अगर मैं सेकंड डिफरेंस निकालू किस चीज का, ठीक है, चलिए तो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस पता चले किस चीज का एग्जिस्ट करके, अब निकालते हैं सेकंड डिफरेंस। जब सेकंड डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है इसमें से इसको माइनस करना, यानी कि क्या करेंगे 90 में से माइनस करेंगे 20, तो वैल्यू कितने आ गई 17, और इधर हमारे पास कितना आ गया 75 में से हम माइनस करेंगे 90, तो हमारे पास वैल्यू कितने होगी 18, माइनस 90, ठीक है। वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, यही रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड डिफरेंस किसका एफ फाइव का, तो वैल्यू कितनी है 70 क्योंकि फर्स्ट वैल्यू से, और सेकेंड वैल्यू अगर मैं बात करूं 10 की तो कितना आ गया माइनस 15, 15 का तो सेकेंड डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कितना रहेगा आपका 0, क्यों, क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यू बची है फर्स्ट, तो जो वैल्यू है फर्स्ट की है और ये वैल्यू इसके मेरे पास सेकेंड। अब ऐसे अगर थर्ड डिफरेंस निकालू तो थर्ड डिफरेंस जो मेरे पास एक का एग्जिस्ट करेगा वो कितना है माइनस 15, माइनस 70 कितना आ गया माइनस 85, यानी कि डेल्टा 3 एग्जिस्ट करेगा खाली किसका मेरा फाइव का जो कि कितना होगा माइनस 85। अगर मैं कहता हूं डेल्टा 3 एफ 10 का निकालू तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी 0, ठीक है। तो मींस जिसका डिफरेंस ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है इसीलिए हम कहते हैं प्रॉपर्टी वहां से नीचे की तरफ आते हैं, तो इसका मतलब जितने भी डिफरेंस होंगे लास्ट में के वो किसके होंगे सबसे पहले 0 वैल्यू, यानी कि एफ एक्स 0 का जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देन हमारे पास कितने होते हैं 10 के, देन हमारे पास 15 का, फाइनली इसका होगा 20। तो सबसे पहले इसमें ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉपर डिफरेंस टेबल हमारे कैसे करते हैं, कैसे इसे सॉल्व, ठीक है। इसके क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगर इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी, ठीक है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैंने जनरल क्वेश्चन लिया था जिसमें के लिए कोई नॉर्मल आपको निकालना था, नेक्स्ट में हमारे पास आएगा अगर हमें पर्टिकुलर वैल्यू गिवन, बट क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लीजिएगा, चाहे इसी को आप ट्राई कर लीजिएगा दोबारा से, जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप डिस्कस कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आंसर, ठीक है। Thank you so much.